दो दो गरुड़ की मौत के बाद नौगछिया का नगर परिषद का एक इलाका दहल चुका है। जी हाँ, नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। हम हैं अभी खरनई धार के समीप जो नौगछिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 में आता है। हालांकि यह जीबी कॉलेज के ठीक दूसरी तरफ का छोर है। हम उस किनारे में है जिस की धार जो है, जिसकी धरा पर जो धार है वो साल भर में कभी नहीं सूखती, खरने धार पर। और इस खरने के किनारे गरुड़ों का मेला लगता है, झुंड आते हैं। अभी भी हम चाहेंगे तो आपको हम कैमरे में दिखाएंगे। आप देखिए हमारे पीछे जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ये जो पेड़ के पास दिख रहा है आपको, ये देखिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको दिखाने का, ये ऊपर गरुड़ ही है। ये जो मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूं ये गरुड़ है। और ये गरुड़ कदुआ से प्रजनन करने के लिए जो आते हैं वहां से आसपास के क्षेत्र में भी घूमते हैं। इसी क्रम में ये नौगछिया नगर परिषद वार्ड संख्या 9 के समीप जीबी कॉलेज के ठीक पास ही ये गरुड़ पहुंचते हैं, घूमते हैं, मंडराते हैं और इससे मोहल्ले के लोग काफी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच में आज गुरुवार की सुबह एक ऐसा न्यूज आया जहां की मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े कि एक गरुड़ की मौत हो चुकी है और दूसरा छटपटा रहा है। और देखते ही देखते दूसरे गरुड़ ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि दम तोड़ने के पूर्व यहाँ के वार्ड संख्या 9 के जो पार्षद हैं अभिनंदन जी, अभी भी हमारे साथ अभिनंदन कुमार, ये पहुंचे। इन्होंने पूरा प्रयास किया, इनका कपड़ा अभी भी गीला है, मैं कैमरा में भी दिखाऊंगा। और उसके बाद इन्होंने उसे उठाया, सड़क पर लाया, गोद में लेकर आए, पानी पिलाने की प्रयास की जा रही थी। हालांकि पानी पिला नहीं पाए थे, तब तक तड़प कर दूसरे गरुड़ ने भी जान दे दी। दो के मौत के बाद पता चला कि तीसरा भी इसी पोखर में है और वह भी विचरण कर रहा है। और लोगों ने देखा कि जैसे ही उसने मुंह में मछली लिया, बस उसे भी शुरू हो गई समस्या। उसके बाद वार्ड पार्षद जो अभिनंदन है, हम आपको कैमरा में भी दिखाते हैं, ये मानिए कि एक जो है मसीहा बनकर पहुंचे और इन्होंने छलांग लगाई और तालाब से उस गरुड़ को बचाया, बाहर निकाला। और इसके बाद तब तक वन विभाग की टीम को सूचना मिली, हमें सूचना मिली, हमने नौगछिया के आला अधिकारी को भी सूचना दी और इसके बाद उस गरुड़ को रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग भागलपुर की टीम ने आके कर लिया है और उसे तत्कालिक प्राथमिक उपचार के बाद उसे सुंदरवन भागलपुर ले जाया गया है। आइए हम वीडियो में दिखाते हैं आपको। हमारे साथ अभिनंदन कुमार भी हैं, उनके उनसे भी जानते हैं और क्या है यह पूरा दृश्य, ये हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। ज्यादा गहरा नहीं है, पंख को समेट के पकड़िएगा। देख सकते हैं अभी बचाने के लिए गए हुए अभिनंदन जी और अभी गरुड़ महाराज को समेट के इस साइड लेके आएंगे। पंख समेट दीजिए, पंख। अब देखिए वो जीवित अवस्था में है कि नहीं। इसी में लग रहा है कोजन। हाँ सर, पानी में ही लग रहा है, कुछ मौजूद है जो कि मार्केट से हो सकता है छोड़ा गया होगा। कहाँ से छोड़ा गया ये तो मालूम है। डॉक्टर साहब का मेडिकल करके डॉक्टर का फोन हो गया। ठीक है, तो अभी वीडियो जो है हम एंड करते हैं, 2.5 मिनट का वीडियो बना हुआ है। गरुड़ सेवियर द्वारा प्राथमिक इलाज कर उसे उसकी जान बचाने की पूरी कवायद। चल सब कुछ अपना मगछिया
डॉक्टर ऐसे हमें दिया दिलिए हैं दवा अभी इसमें नमक कौन है। हाँ नमक पानी ने उनको दिए थे ना वो तो सामने मेरे को दिए मर गया। अच्छा दूध आप उसको नमक पानी दिए थे क्या। हाँ भैया वो पानी रखिए भेज देंगे ढाई मिनट का बना है पानी रखिएगा ताकि जो है उसका जांच हो जाएगा कि क्या दिक्कत नहीं है। अभी दो बोल रहे हैं तो डेथ कर गया अंदर स्पॉट डेथ हुई है ये जीवित है इसको बचा लिया जाएगा। हाँ ये तो हो जाएगी रिकवर हो जाएगी जब भी निकलेंगे ना हम यहाँ से रिकवर हो जाएगा। मामला है मैडम मुझे सूचना मिली है ग्रामीण लोगों से यहाँ करोड़ों का मृत्यु हो रही है इसीलिए हम आए हैं इसको टीम के लेकर के साथ में लेके आए हम। कहाँ से आप मैडम आए हैं। हम भागलपुर से आए सुंदरवन से। सुंदरवन से यहाँ आपने कितना रेस्क्यू किया मैडम गरुड़ का। दो मृत्यु वाला एक तो अभी ठीक है एक हाँ, एक जीवित है। हाँ, एक जीवित है उसको देखा जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आपका परिचय मैडम। अनुराधा सिन्हा बनरची भागलपुर। परिचय दें और क्या हुआ इसके बारे में बताइए। जी मेरा नाम अभिनंदन कुमार है मैं मील टोला वार्ड नंबर 9 का वार्ड पार्षद हूं और सुबह सुबह मेरे ग्रामीण के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि खरने नदी जो जीबी कॉलेज के पीछे वाले रोड में पड़ता है हम लोगों के वार्ड में वहाँ पर अचानक गरुड़ों की मौत हो रही है। तो हम दौड़ करके वहाँ से आए और प्लॉट पर पहुंचे तब तक मैं एक गरुड़ को मैंने मृत पाया और दूसरे की सांसें चल रही थी उसे हम लोगों ने उठा करके कुछ पानी पिलाया लेकिन वो फिर हमारे गोद में ही उन्होंने जान दम तोड़ दिया। तो मैंने आनंद फानन में जाकर के वन विभाग से संपर्क किया और उन्हें तत्काल सूचना दी तब वो लोग भी आए हमारे साथ। ये जो सामने देख रहे हैं आप खरने नदी इसमें हम लोगों का ये शान है कि हमारे क्षेत्र में लगभग 20-25 की संख्या में गरुड़ यहाँ पर आते जाते हैं और लोग आते जाते यहाँ इसको देख करके खुश होते हैं। हम लोग बहुत खुश रहते हैं कि हमारे आसपास इस खरने नदी के किनारे लगभग 20-25 की संख्या में गरुड़ यहाँ आते हैं और पूरे नवगछिया की जो पहचान है वो गरुड़ों से होती है। ये हमारे लिए एक शान का प्रतीक है। कैसे इसकी मौत हुई होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि गरुड़ यहाँ पर जो रोज आते जाते हैं कुछ ऐसा विषैला पदार्थ खा लिया होगा जिसके कारण वो मर गए होंगे। दो तो तत्काल मृत्यु हो गई है तत्काल वन विभाग की टीम आई और एक की सांसें चल रही थी हमारे लोगों के हम लोगों के सामने ही एक गरुड़ मूर्छित हो गया पानी में जो जिसे मैंने तत्काल पानी में कूद करके उसे गोद में उठा करके यहाँ लाए जो कि वन विभाग की टीम उसे ले गई है शायद उसका जान बच जाए मैं यही आशा करता हूँ। और बाकी तो दो की तो मृत्यु हो चुकी है। अपील करना चाहते हैं प्रशासन से। हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं ये जो क्षेत्र है जहाँ पर की गरुड़ों की संख्या ज्यादा है हम लोगों के लिए शान की बात है उस पर विशेष निगरानी रखा जाए ताकि भविष्य में गरुड़ों की मौत ना हो इस तरह से। कदवा जो है वो सेंटर है गरुड़ों का जी नौगछिया उसके नियर बाय है 10 किलोमीटर के में मतलब यहाँ भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल ये हमारे पूरे नौगछिया का शान है शौकत है एक सुंदरता का प्रतीक है जहाँ पर की गौरव की बात है कि हमारे यहाँ गरुड़ 20-25 संख्या में और कदवा में इसके लिए बहुत विश्व स्तर पर भी ये कई रिसर्च चलाए जा रहे हैं कि गरुड़ों की प्रजनन संख्या कैसे बढ़े लेकिन ये बहुत दुखद की बात है कि यहाँ गरुड़ों की मृत्यु हो रही है आज। तो इसको लेकर के मैं वन विभाग की टीम और तमाम जितने भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाए इस तरह से अकस्मात मृत्यु ना हो ये हमारे लिए एक दुख की बात होगी।